बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से भी आपको आपके साथ यानी वीडियो शेयर करता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हैं जी कुछ इलाका जात, खासकर जिनमें ताइफ, शुफा, खमीस, सूदा, अबहा और तबू के कुछ इलाके, असीर। तो भाई बहुत से इलाके हैं जो मैंने देखे हैं, मैंने वही आपके साथ आपको बताकर भी बताए हैं। ये मैंने तमाम तर चीज़ों का विजिट किया हुआ है। अच्छा, ताइफ में मैं रहा हूँ गालबन 2 से 2.5 साल। माशाल्लाह, जितना आप यकीन करें ताइफ मुझे अच्छा लगा है ना, मैं बोलता हूँ सऊदीया कोई शहर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। मक्का मदीना से हट कर बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ताइफ का मौसम के मुतलक तो आपको पता है, जो मेरे भाई ताइफ में रह चुके हैं या विजिट कर चुके हैं उनको तो पता होगा, गर्मी में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दियों में भी सर्दी होती है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं होती है जितनी कि पाकिस्तान वगैरह में, या आप देख लें आपको सूदा वगैरह या तबू के कुछ इलाकों में, लेकिन सर्दी फिर भी होती है ठीक ठाक। यहाँ पर आपके साथ मैं कुछ वीडियो शेयर कर रखा हूँ ताइफ से ही, ये लीगी वीडियो है जी, कल की ही ताइफ में जालाबारी की देख लें, यानी कि बर्फ आप देख लें, ये बर्फ पड़ी हुई है तो बिल्कुल ज़मीन देख लें वाइट हो गई है। हुआ क्या है भाई, ये ताइफ के जो ऊपर है शुफा, वहाँ से ली गई कुछ वीडियोज़ हैं। ताइफ में भी अक्सर ऐसा होता है, तो भाई शुफा में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, बारिश हुई है, बारिश के साथ ओले आए, या फिर भाई ज़मीन बिल्कुल वाइट हो चुकी है जैसा कि बर्फ पड़ चुकी है, और दर्जा हरारत इतना नीचे आ जाता है कि ये बर्फ भाई फिर दो दिन तक पड़ी रहती है। क्यों भाई, दर्जा हरारत तो ऊपर जाएगा तो ये पिघलेगी। तो ताइफ के कुछ लाइव मनाजर मैंने आपको दिखाए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है सऊदी अरेबिया का। अगर आप सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं या विजिट के लिए आना चाहते हैं तो ताइफ का जरूर विजिट कीजिएगा।